हेलो एवरीवन, नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट क्विकली आज के 2 मिनट ज्ञान में हाउ मच शुड बी योर इमरजेंसी फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन इंडियन एवरीबडी ईच वन ऑफ अस शुड अंडरस्टैंड दैट योर इंश्योरेंस एंड योर इन्वेस्टमेंट्स आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। और आज के इकोनॉमिक टाइम्स में ये आर्टिकल भी आ गया है दैट IRDAI हैज़ टोल्ड इट्स इंश्योरेंस कंपनीज दैट डू नॉट सेल यूलिप्स एज एन इन्वेस्टमेंट प्लान। इस देश में इंश्योरेंस को स्पेशली यूलिप्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम प्लान्स को इन्वेस्टमेंट की तरह बांटा गया और इसमें सबसे बड़े गुनहगार LIC रहे। खैर आई मीन इफ वी कीप दैट असाइड, हाउ मच शुड बी योर इमरजेंसी कॉर्पस। अब इसके बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अकॉर्डिंग टू मी जितना भी मेरा या किसी का 1 महीने का सैलरी है जिसमें आपका लिविंग एक्सपेंस है, मंथली लिविंग एक्सपेंस, सपोज़ योर मंथली लिविंग एक्सपेंस इज 50 lakh विश सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग 50,000 rupees, देन आपका इमरजेंसी कॉर्पस मेरे हिसाब से होना चाहिए एटलीस्ट 7 months सैलरी विच इज़ 3,50,000 rupees। और उसके साथ साथ ये मत भूलिए आपके पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और जो अर्निंग मेम्बर है घर के उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आई थिंक इज़ अ नेसेसिटी एटलीस्ट फॉर 1 अर्निंग मेम्बर। और टर्म इंश्योरेंस कितना, कम से कम 1.25 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस तो आपको लगेगा ही। अगर ये सब चीज़ें आपकी हैं, जो फ्रैंकली स्पीकिंग इसका प्रीमियम अगर आप टाइम पे कराएंगे तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा, इट विल हैपन इन इफ़ यू डू इट इन योर यंग एज सबके प्रीमियम कम आएंगे, तो इतना कोई मनी एग्जॉस्टिंग चीज़ नहीं है। बट अगर आप ये कर लेते हो देन आपको हक है कि इसके आगे का इनकम आप स्टॉक मार्केट में लगा के कुछ कर सकते हो।